हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रता। दोस्तों बात करेंगे कल की 2898 AD की। देखो एक मैं एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊंगा सेपरेट, उस पर थोड़ी मैं रिसर्च कर रहा हूं, थ्योरी लेकर आऊंगा कि जो इसकी एंडिंग है वो क्या कहती है। पर एक बात कहना चाहूंगा, कल की ने चारों तरफ माहौल बना दिया है, पॉजिटिव रिव्यूज की झाड़ लग गई है और पब्लिक जा रही है देखने के लिए, क्योंकि बुक माई शो के अगर मैं आप चेक करो ना, 57K की रफ्तार से टिकट सोल्ड आउट हो रही है। हिंदी मार्केट में पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है, पर कुछ अपने बॉलीवुड के क्रिटिक्स हैं, एक तो रोहित जायसवाल एंड सुमित कडेल, मैं नाम लेने से घबराता नहीं हूं, इन दोनों को फिल्म नहीं पसंद आई। एक ने 2 स्टार दिया, एक ने आई थिंक 2.5 स्टार दिए हैं। पर रोहित जायसवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक समझते हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं, आज इनकी जल रही है, क्योंकि बादशाहत खत्म होती हुई जा रही है ना। अब क्या है, लोग इनके ऊपर बिलीव करते नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट ये बिक जाते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। सबसे पहले मैं उनका ये स्क्रीनशॉट देख लेना, उन्होंने क्या बोला है कि पेड रिव्यूअर एंड यंग जनरेशन जिनको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ day 1, day 2 की या फिर वीकेंड की एडवांस बुकिंग देखकर फिल्म को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं और इसी के आधार पर फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं। दूसरा सुमित कडेल, फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं है, उन्होंने एक मौका गवा दिया नाग अश्विन ने, और सेकंड हाफ में भी उन्होंने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया और प्रभास को टोटली वेस्ट कर दिया, ये उनके वर्ड्स हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे ही पता है फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं था, वो बिल्डअप था, वह बोरिंग थी फिल्म, 15 से 20 मिनट कट होने चाहिए थे, खासकर भाई रॉक्सी वाले सीन, जो दिशा पाटनी वाले सीन थे वो ना होते तो ज्यादा मजा आता। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो बॉलीवुड का डायरेक्टर था ओम राउत, उसने क्या मिट्टी पलीत करी थी आदि पुरुष की, तो यार नाग अश्विन ने कुछ इतिहास के साथ अपने भाई पुराणों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करी, उसको कितने अच्छे तरीके से दिखाया। आपको याद हो हनुमान मूवी आई थी, हनुमान मूवी में कितने फ्लॉस थे, पर एंड में जब हनुमान जी आते हैं, वो जो हनुमान चालीसा चलती है वहीं से सारी फिल्म सवाल उठ कर ले गई थी। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है जो आपको लग रहा है कि कल की अवतार कैसे आएगा, चिरंजीवी उसको कैसे साथ लेकर चलेंगे, कौन शिक्षा देगा, कौन रक्षा करेगा, सुमिति कौन है, सुमिति के गर्भ में कौन है। इतनी जो थ्योरीज बन रही हैं, ये क्या आसान लग रहा है, तुम्हें फिल्म नहीं पसंद आई या तुम्हें पैसे नहीं मिले, सीधा बोलो। और तुम अब टारगेट कर रहे हो यूट्यूबर्स को, जो यूट्यूबर्स सुबह सुबह उठकर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, जिनको कोई भी नहीं मिलता समोसा, और तुम्हें समोसा इस बार नहीं मिला तो तुमने सीधा सीधा टारगेट कर दिया नाग अश्विन को और फिल्म को क्रैप बता दिया, स्क्रैप बता दिया। मुझे शर्म आती है ऐसे बंदों के ऊपर। अब एक बात बताओ, सुमित कडेल को कौन नहीं जानता, उनको तो अभी भाई साहब उन्होंने भी एक्सपोज कर दिया था विदु जामवाल ने, जब उनकी क्रैक मूवी आई थी, भले ही क्रैक मूवी बकवास थी, मैंने भी उसका रिव्यू किया था, मुझे भी पसंद नहीं आई थी, पर सीधा सीधा विदु जामवाल ने आकर बोला था कि इस बंदे ने मेरे से ब्राइब मांगी है, रिश्वत मांगी है फिल्म को अच्छा बताने के लिए। तो सोचो ये लोग उस फिल्म की ज्यादा बातें करते हैं जिस फिल्म से इनको पैसा मिलता है, प्रोड्यूसर से पैसा मिलता है। आपको याद हो BMCM 250 करोड़ की फिल्म थी और 350 करोड़ की फिल्म थी, सारे के सारे समोसा क्रिटिक्स कहां गए थे, जकार्ता गए थे, किस लिए गए थे, गाने की शूटिंग देखने के लिए। भाई साहब फ्लाइट की टिकटें मिल रही है आपको, इंटरनेशनल फ्लाइट की, 5 स्टार के अंदर एम्बियंस मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको गाने की शूटिंग देखने जाने, नहीं भाई, वहां बैठकर सौदा हुआ था कि किस तरीके से आपने फिल्म को अच्छा बताना है। और क्या निकली थी BMCM आपको पता है, अब इनके कहने पर पब्लिक नहीं जाती है, पब्लिक अपना दिमाग लगाती है या फिर इंडिपेंडेंट रिव्यूअर के ऊपर विश्वास रखती है, जैसे जो हम लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हम बहुत बड़े हैं, कुछ है ही नहीं, 20-22 हजार हमारे सब्सक्राइबर हैं, पर मैं इतना कहना चाहूंगा हमें जो जेन्युइन फील होता है, हम आम जनता की आवाज है वो बताते हैं, ये तो वो बताते हैं जो बताने के लिए इनको पैसा मिलता है। तो आज इनकी जल रही है क्योंकि इनकी आज बादशाहत खत्म हो रही है। तो ऐसे फेक और पेड रिव्यूअर से दूर रहो, अपना दिमाग लगाओ, जाओ और देखो, नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, 200-250 रुपए की बात है। पर एक बात कहना चाहूंगा, जो भाई साहब एग्जीक्यूशन है नाग अश्विन का ना, वो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग, आपको महाभारत के युग में लेकर चला जाएगा, वो देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा, बस इतना कह सकता हूं। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।